फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। सो मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी मेक योरसेल्फ यूनिक। लास्ट वीडियो में मैंने करियर के ग्रोथ के बारे में बताया था कि एक सिविल इंजीनियर कैसे ग्रोथ कर सकता है। मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया था, बहुत लोगों ने कोरिलेट किया होगा उस चीज से। अब कई ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर ये तो ग्रोथ के बारे में आपने बता दिया, उनके लिए जो लोग जॉब में है वो ग्रोथ करें, चलिए अच्छी बात हो तो कर ही लेंगे क्योंकि उनके पास इनकम है, कहीं ना कहीं से लर्निंग करेंगे फिर अर्निंग करने लगेंगे। लेकिन हमारा क्या होगा, हमारे इन द सेंस जो लोग कॉलेज में है, जो लोग कॉलेज के फर्स्ट ईयर पास करके भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में है, फोर्थ ईयर फाइनल ईयर ही हुआ ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में है, वो लोग कैसे अपने करियर को बूस्ट करें और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको आज के वीडियो में क्लियर डिटेल दे दूंगा। होप आपको अगर ये अच्छा लगेगा तो लाइक तो करोगे ही, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना यार ठीक है, क्योंकि तुम्हारा एक रूममेट है, तुम्हारा एक क्लासमेट है, उसका भला हो जाएगा। हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में धीरे धीरे आप हमें पहुंचाओगे तो आपको बहुत ढेर सारे ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो कहीं नहीं मिलते, कोई भी अपने लाइफ का सीक्रेट नहीं शेयर करता है। मैं कोशिश करता हूं कि अगर मेरे वजह से आपका भला हो रहा है तो क्या बुरा है। चलिए अब आप कॉलेज के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में, ऐसा मैं मान के चलता हूं ठीक है। अभी आपको क्लियर ही नहीं है कि मुझे कॉलेज पास आउट करने के बाद करना क्या है ठीक है, यहां तक तो छोड़ो लोगों को एक साल दो साल तक उसके बाद भी नहीं समझ में आता है कि करना क्या है ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग एक प्रॉब्लम है ठीक है, आप जैसे सिविल इंजीनियरिंग में स्टार्ट करते हो कैरियर, मतलब पढ़ना स्टार्ट करते हो, लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा तो अच्छा है, तुम्हारे में गवर्नमेंट जॉब बहुत निकलती है, सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब बहुत निकलती है, ऐसा तुमको एक ज्ञान मिल जाएगा। चलिए बुरा नहीं है, उस ज्ञान में कोई बुराई नहीं है ठीक है, आपने कहीं ना कहीं से वो उसमें देखा होगा, अच्छाइयां दिखी होंगी गवर्नमेंट जॉब में, डेफिनेटली पैसा है सब कुछ है, कैसे है वो तुमको बताने की जरूरत नहीं है ठीक है। तो अब आप क्या करते हो, आप पढ़ जाते हो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूंगा, आप कोचिंग करने लगे, एक साल दो साल तीन साल कोचिंग करने लगे ठीक है। मैं कोचिंग करने वालों को हर्ट नहीं कर रहा हूं, बट तीन साल के बाद आपका रिजल्ट क्या निकला ठीक है, दिल से पूछना, रिजल्ट यही निकला कि अब आप सोच रहे होगे कि मूव ऑन करता हूं किसी सेक्टर में करियर बनाने के लिए, बट आपका कॉलेज के बाद तीन साल का गैप हो गया। अब बड़ा लफड़ा होता है जब आप कॉलेज में आते हो तो एक टेंशन हो जाती है, इंडस्ट्री में आते हो तो टेंशन हो जाती है कि कैसे लोग ले, लोग ये पूछते हैं कि कहां पर थे तीन साल ठीक है। अब आपका फ्रेशर का टैग भी खत्म हो गया कि आपको फ्रेशर के नाम पे हायर कर लेंगे, चलो सिखा देंगे, अब आप तो तीन साल का हो गया, तो ये टाइम आपका मेरे अकॉर्डिंग कोलैप्स हो जाता है, लैप्स हो जाता है पूरी तरीके से। मैं नहीं कहता कि आप गवर्नमेंट जॉब तैयारी मत करो, उसका तरीका बदल दो। चलिए तो अब कॉलेज के स्टूडेंट देख रहे हैं कि क्या हाल होता है दो साल तीन साल के बाद, इसलिए किसी के ज्ञान के बहकावे में मत आइए ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब पता करिए कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें एक तो लर्निंग अच्छी हो, मतलब सीखने को अच्छा मिले, ऊपर से पैसा अच्छा मिले, क्योंकि अगर पैसा नहीं अच्छा मिलेगा, वेल्थ अच्छी क्रिएट नहीं कर पाओगे, तो आप उस इंडस्ट्री में जाके भी क्या करोगे, आप एट द लास्ट जो आपका ओरिजिन है वो है मनी यार। देखो सबका है, तुम्हारा भी है मेरा भी है, मैं जॉब क्यों करता हूँ ठीक है, या फिर मैं जॉब क्यों करूंगा, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, सीधी सीधी बात है। तो अब कोई और होगा जिसको, कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं नहीं मैं तो बहुत पैशनेट हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो भाई ऐसे लोगों की कैटेगरी अलग है, मैं उनमें नहीं ठीक है। मेरी सीधी सीधी फोकस ये है कि मैं अगर जॉब कर रहा हूं तो मुझे एक अच्छी इनकम चाहिए। तो अब आप सभी जो कॉलेज के बच्चे हैं ये क्लियर करो कि आपको कौन कौन से इंडस्ट्री में जा सकते हो और किसमें आपको जाना चाहिए। तो इसमें मैं सभी की बोलता हूं कि अपना इंटरेस्ट और फोकस दोनों एक साथ कर दो ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट रहेगा उसी में फोकस आएगा, तो इनको दोनों को मिला लो। और अभी से अगर ये पता कर लिए तो अभी नहीं करो, फाइनल ईयर के बाद या हो सकता है फाइनल ईयर में ही आप एक पैकेज लेके बैठे रहोगे ठीक है। कॉलेज के भरोसे मत रहो, कॉलेज में आपको सिविल इंजीनियरिंग की कंपनीज, अगर कोई आईआईटी एनआईटी या फिर टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तभी उनको देखने को दर्शन करने को मिलेगा, अदरवाइज कॉल सेंटर के अलावा कुछ नहीं आएगा, ये सच है ठीक है। हमारे ऊपर भी बीती है इसलिए हम आपको बता रहे हैं ठीक है, तो कुछ भी नहीं आएगा, जो भी टॉप कंपनीज टॉप एमएनसीज इनका सपना मत देखो, कॉलेज में सब नहीं आने वाले हैं। अब क्या करें भैया, फिर हम तो सोचे थे फाइनल ईयर के बाद पापा को बोलेंगे हमारा एक अच्छे जगह सिलेक्शन हो गया, भाई वो सिलेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, तुम्हारा सिविल इंजीनियरिंग में नहीं होगा। अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं कि कुछ अभी से सीखना स्टार्ट कर दें, अभी से कुछ ऐसा सीखो जिसमें आपका करियर बूस्ट करे, अदरवाइज बहुत करोगे तो आप अपने पापा को बोलोगे पापा यार कहीं पर मुझे जॉब नहीं मिल रही है, कुछ लोग यार बोलेंगे कुछ लोग नहीं बोलेंगे, कहीं पर जॉब नहीं मिल रही है कहीं जुगाड़ लगा दीजिए, पापा क्या करेंगे, पापा आसपास के किसी बिल्डर को अगर पहचानते होंगे तो उसे पूछेंगे यार कुछ बताओ मेरे बच्चे को यार वो सिविल इंजीनियरिंग उसने बीटेक किया हुआ है, जो डिप्लोमा किया, जो भी डिग्री किया हुआ है,
और तो बोलेगा ठीक है मेरे पास भेज दो मैं लिखवा देता हूँ, वो वाले कॉन्ट्रैक्टर जो है ना उनके पास साइट इंजीनियर की जरूरत है, खड़ा रहेगा वहां पर, वो काम उन देखेगा वहां पर, ठीक है मैं 5,000-10,000-15,000 रुपए जो भी सबका अलग अलग सिटी के हिसाब से ये दे दूंगा, अपना खर्चा पानी पाएगा, अपना खड़ा रहेगा, ठीक है। अब अगर इस तरीके की लाइफ भी जाने वाले हो, मैं पहला दिखा दिया आपको गवर्नमेंट जॉब की एक हिस्ट्री, ठीक है, एक दिखा दिया आपको अभी वाली कि एक बिल्डर ने आपको बोल दिया ठीक है दिला देंगे कोई दिक्कत नहीं टेंशन मत लीजिए, दूसरी इंडस्ट्री है। तीसरा ये है कि अभी से आप समझ जाओ कि ऐसा कुछ करना है कि साइड बाय साइड हम सीखते भी रहे, पढ़ते भी रहे, अपना जो भी गवर्नमेंट वगैरह का अगर प्लान है तो, और हमारा जॉब भी चलता रहे। तो ऐसी कौन सी प्रोफाइल्स हैं? ऐसी प्रोफाइल्स हो सकती है ऑफिस वाली प्रोफाइल्स, सीधी सीधी बात है, अगर आप ऑफिस में जॉब करते हो तो आप एक चेयर पर बैठते हो तो आप उतना नहीं थकते हो जितना एक सामने वाला थकता है, प्लस आपका एक टाइम होता है कि आपको इसके बाद ऑफिस से घर जाना है, वहां रेस्ट करना है, थोड़ी बहुत स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हो, ये वो निकाल सकते हैं जो सच में जुझारू है, थके लोग नहीं निकाल सकते हैं, सीधी सीधी बात, वो ये बहाना कर देंगे अरे नहीं यार टाइम ही नहीं मिलता, जॉब में इतना प्रेशर है, कुछ नहीं होता है, प्रेशर एक महीने का होता है, एक महीने के बाद काम जब सीख जाते हैं कोई प्रेशर नहीं होता है। तो अब ऐसी कौन सी जॉब है जो ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं? तो ऐसे में जो सबसे फेवरेट और सबसे ज्यादा क्राउड वाला जो जॉब है वो स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। अब आप ये प्लान कर सकते हो, कॉलेज वाले सारे स्टूडेंट को बता रहा हूँ कि अभी आप ये प्लान कर सकते हो कि स्ट्रक्चर में जाना कैसे, ठीक है। स्ट्रक्चर में जाने को लेके मैंने बहुत वीडियो बनाए हुए हैं, आपको और लगेगा तो मैं और बना दूंगा, बट फोकस कर लो, स्ट्रक्चर में आपको इंटरेस्ट है, सो में इंटरेस्ट है, आरसीसी में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है, मैथमेटिक्स का कोई खास रोल नहीं होता है, जस्ट स्ट्रक्चर की जो एनालिसिस होती है उसके लिए टर्म्स जो होते हैं वो मैथमेटिकल में थोड़ी सी अच्छी लगती है, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो अब आपको स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है, चलिए ये एक ऐसी जगह है जहां पर आप साइड बाय साइड अपने जो गवर्नमेंट जॉब वाला सपना था वो भी पूरा कर सकते हो, साइड बाय साइड कभी साइट पे विजिट करने का भी सपना था तो वो भी यहां पर आपका पूरा हो सकता है। ये जो दोनों सपने थे ना इधर जो मैंने बताए वो दोनों यहां से पूरे हो सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर स्ट्रक्चर में मेरा थोड़ा खास इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं यार मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाओ, मॉडलिंग इंडस्ट्री इन द सेंस 3D मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दो, अभी से सीखना स्टार्ट कर दो 3D मॉडलिंग। मैं तो बोलता हूँ मैंने तो फाइनल ईयर में बिलीव कर लिया, मैंने इतने पैसे कमाए थे कि मेरे कॉलेज की फीस अपने पॉकेट मनी से दी थी, पॉकेट मनी मतलब घर वाले पॉकेट मनी नहीं, ये जो 200-300 रुपए इकट्ठा करके मैंने दे दिए थे फीस, इतना कमा लिया था। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका माइंड किस तरीके से है, मेरा जैसे था उसके हिसाब से मैंने किया था। अब आपको क्या करना है कि आपने कहा कि हम मुझे स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट नहीं है सर कुछ और बताइए, तो कुछ और में मॉडलिंग की इंडस्ट्री है, ठीक है। मॉडलिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, 3D मॉडलिंग के लिए आप रेविट सीख लो या फिर स्केचअप सीख लो या फिर 3ds मैक्स सीख लो, जो भी आपको लगे कि ये मुझे इसमें क्या बोलते हैं चाहिए उसमें आप चले जाओ, मॉडलिंग इंडस्ट्री होगी। तीसरी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की, आप बड़े प्लानिंग वाले इंसान है, बड़ा मैनेजमेंट का काम पूरा एकदम अच्छे तरीके से कि यहाँ से प्लानिंग आया फिर मॉडलिंग आया फिर ये आया फिर ये आया, पूरा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो कि बीम का पूरा का सेक्टर है, जिसका बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का सेक्टर है, पूरा का पूरा बीम ही सीख डालो। अब बीम वाले जो रहते हैं उनका फायदा होता है, बीम वाले चाहे तो मॉडलिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं, स्विच कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि उनका काम उसी से रिलेटेड रहता है। बीम वाले चाहे तो अपने एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत से ऐसी चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो उनके गवर्नमेंट जॉब से बहुत कोरिलेट करेगा। चलिए जी ये हो गया तीसरी इंडस्ट्री। चौथी इंडस्ट्री आप क्या कर सकते हो, आपने कहा सर मुझे स्ट्रक्चर में भी इंटरेस्ट नहीं है, मॉडलिंग में भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में भी नहीं है, मतलब बीम में भी नहीं है, चौथी कौन सी ऑप्शन हो सकती है? चौथा इंटीरियर डिजाइनिंग। देखिए हो क्या आज के टाइम में मेट्रो सिटीज में, छोटे सिटीज की बात नहीं करूंगा, छोटे सिटीज में जब मैं अपने सिटी में था, ठीक है छोटा नहीं बोलूंगा बट फिर भी जब ये जहां अभी हूं इससे बहुत छोटा है, तो जब मुझे किसी ने बोला कि इंटीरियर डिजाइनिंग में बड़ा पैसा है, मैं कहा करवाता कौन है, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड था उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग के लेवल पर कोई था ही नहीं, तो हमको लगता है कौन करवाता होगा इंटीरियर डिजाइनिंग, ऐसे मतलब आपके भी दिमाग में ख्याल आ सकते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जबकि मुझे ऑफर मिल रहा था स्टार्टिंग में ही, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था इंटीरियर डिजाइनिंग में ही ऑफर मिल रहा था, उन्होंने बोला एक इंटीरियर डिजाइनर तो उन्होंने बोला मैं सिखा दूंगा तुम संभालो, ठीक है। मैं कहा इसमें करवाएगा कौन, और अभी जब मैं बड़ी सिटीज में जब आया तो यहां देख रहा हूं तो हर एक दूसरा बंदा इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए पैशनेट है, वो हर 3-4 साल में बोल रहा है इसको चेंज कर दो, कुछ अलग चाहिए, कुछ अलग मुझे फॉरेस्ट व्यू चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इतना कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग में पूछो मत। तो आपका जो चौथा करियर हो सकता है वो इंटीरियर डिजाइनिंग हो सकता है, अभी आप कॉलेज में हो, अभी सीखने का टाइम ज्यादा है, आपने कहा सर मेरे इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, अभी भी सेक्टर बचे हैं,
कौन से अभी जो सेक्टर बचे हुए हैं आपके क्वांटिटी टेक ऑफ जो मतलब क्वांटिटी सर्विंग जिसको बोलते हैं क्वांटिटी सर्विंग पे काम स्टार्ट कर दो। क्वांटिटी पे आपको लगता है कि मैं स्टील कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो कैलकुलेट कर सकता हूँ, इस इंडस्ट्री में भी आप कैरियर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से अच्छे अच्छे जगह जहाँ से आप सीख सकते हो, कुछ जगह ऐसे जिनको आप मतलब मेरे दिखाए बड़े अच्छे, ठीक है, मैंने भी थोड़े बहुत उनसे सीखे हुए, और तो आपको मिला के वहां पर जाओ। इन पांचों में से किसी में भी जाओगे आप अपने इन दोनों सपने को पूरा करते रहोगे। आपको साइड का कैमरा हीट करके बंद हो गया, तो मैं तुमको बता रहा था कि हम किसी में भी जा सकते हैं, इन पांचों में से किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, आराम से आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर है वो एक सर्वे है और दूसरा है साइट इंजीनियरिंग से, इन दोनों में आपको पढ़ने को टाइम नहीं मिलेगा, प्लस स्टेबिलिटी नहीं है इस जॉब में, इसलिए मैं इन दोनों जॉब को रिफंड नहीं करता हूं गाइस। मैं इन पांचों में से आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ आपको इसके लिए आपको बोलता हूं। इसके अलावा जो छठवीं इंडस्ट्री हो सकती है वो गेट हो सकती है। अगर आपके विचार में है कि नहीं मुझे अभी और स्टडी करनी है, हायर स्टडी पर जाना है, गेट बेस्ट ऑप्शन है। अगर हायर स्टडी पर नहीं जाना है तो आप इन पांचों में देखो और पांचों में से किसी भी एक सेक्टर को अभी कॉलेज से स्टार्ट कर दो। कॉलेज से जब निकलोगे ना तब तक क्रीम हो चुके रहोगे, और तुम जैसे अगर अच्छी क्रीम हो गए तो पैकेज अच्छा मिल जाएगा भाई, अदरवाइज कॉलेज के भरोसे अगर हो तो आपको सिर्फ धोखा मिलेगा जैसे प्यार में मिलता है। तो इसलिए बेटर है कि आप अभी से इस चीज को बेटर कर लो और आपका कैरियर बन जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी गाइस, अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना यार, और शेयर करके मुझे मोटिवेट भी करना, मुझे नीचे कमेंट करना कि सर मुझे ये चीज आपका अच्छा लगा, और ये जो भी आपको अलग टॉपिक्स दिमाग में आते हैं कि सर इस चीज का आंसर नहीं मिलता मुझे, तो अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो नीचे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।